जो हम कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 6, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अप्रोक्सीमेशन, और हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 6.4। ठीक है, तो अप्रोक्सीमेशन क्या है? हमने डेरिवेटिव के बारे में हमने पढ़ा है, और हमने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी हमने डेरिवेटिव का किया था। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन ले रहा हूँ जिसका डोमेन डी और रेंज आर है, जहाँ डोमेन सेट ऑफ रेंज, और फंक्शन मैंने ले लिया वाई इज इक्वल टू एफ एक्स। तो अब ये जो फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स है, इसका कोई ग्राफ ले लेते हैं, कि इसका कोई ग्राफ ड्रा होगा। ये मैं कोई रफली कोई ग्राफ ले रहा हूँ, तो कोई ना कोई इसका कर्व बनेगा। अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई हमारे पास एक फंक्शन है, तो उसका मैंने उसको ड्रॉ किया तो मेरे पास एक कर्व आ गया। ठीक है, तो हम इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट ले लेते हैं P, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं, लेट अस सपोज करो एक्स कोमा वाई। ओके, तो इस एक्स में हम स्मॉल इंक्रीमेंट कर देते हैं, थोड़ा सा इसको इन्हांस कर देते हैं। तो मैं ले लेता हूँ डेल्टा एक्स, एक स्मॉल इंक्रीमेंट जो है वो एक्स में ऐड कर देते हैं। तो जाहिर है कि यहाँ पे अगर ये मैं ये एक्स है, तो इसमें स्मॉल इंक्रीमेंट करूँगा, तो लेट अस सपोज करो कि यहाँ पे इतना इंक्रीज़ कर देता हूँ, ये है डेल्टा एक्स, और इसके जो कॉरस्पॉन्डिंग आपके पास जो पॉइंट आ जाएगा, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, तो ये आपके पास इंक्रीमेंट आ गया। इंक्रीमेंट आ गया तो आप ग्राफ के जो कर्व के ऊपर आपका पॉइंट यहाँ तक मूव हो जाएगा। ठीक है, जब आप एक्स में कुछ ऐड करेंगे तो डेल्टा एक्स, यहाँ पे डेल्टा एक्स ऐड कर दिया तो आपके पास ये नया पॉइंट बन गया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। यहाँ पे आपके पास पॉइंट कितना है? वाई। तो जैसे आप एक्स में कुछ ऐड करेंगे तो ये इंक्रीज हो गया, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू वाई की, ये वाई है, उसमें भी कुछ इंक्रीज हो गया। यहाँ पे अगर मैं ऐसे लूँ तो ये कितना है? वाई, लेकिन कर्व के ऊपर यहाँ पहुँच गया, तो ये वाला जो पॉइंट है ये इसमें क्या हो गया? इंक्रीज। डेल्टा वाई कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इसमें इंक्रीज हुई, मतलब एक्स में मैंने इंक्रीज़ किया और वाई में कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू इंक्रीज होगी। यहाँ पे जो एक्स है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वाई है वो डिपेंडेंट है। वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एक्स के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए एक्स के ऊपर डिपेंड होने पर उसमें डेल्टा वाई जो है इंक्रीमेंट आ गई, और मैं डेल्टा वाई को लिख सकता हूँ इस पॉइंट के ऊपर डेल्टा वाई, और इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है, अगर मैं यहाँ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखना चाहूँ तो मेरे पास कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे यहाँ पे देखे, लेट अस सपोज करें ये पॉइंट क्या है? क्यू। और यहाँ पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स कोऑर्डिनेट और वाई प्लस डेल्टा वाई कोऑर्डिनेट बन जाएगा। बात को समझ रहे? यहाँ पे एक्स इंक्रीज किया आपने, जैसे आपने एक्स इंक्रीज किया तो वाई में भी एक उन्तरी कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट आ गई डेल्टा वाई, और ग्राफ के ऊपर इस कर्व के ऊपर पॉइंट चल गया यहाँ पे, और ये चल गया इधर वाई प्लस डेल्टा वाई, इसमें डेल्टा वाई ऐड हो गया। समझ गए मेरी बात? और इस डेल्टा वाई को अगर मैं लिखना चाहूँ कैसे लिख सकता हूँ? यहाँ तक कितनी वैल्यू है बेटा वाई की? y प्लस डेल्टा वाई, और ये कितनी है? और इसमें से माइनस करके क्या आ जाएगा? डेल्टा वाई। तो मैंने यहाँ लिख दिया कि डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इस तरफ तो फंक्शन की वैल्यू है ना, जो भी फंक्शन आपने वाई इक्वल एफ एक्स माना हुआ है, तो एफ एक्स उसमें इंक्रीज हो जाएगा, एक्स में जो भी वैल्यू उनकी डेल्टा एक्स इंक्रीज हो गया। अब
हमने डिफरेंशिएशन में क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ, ये एक सेकंड लाइन बन गई और क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा वाई डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एफ ओफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ओफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। मैंने रेशियो ले ली डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स की, ठीक है। अब आप ध्यान दें, हमने डिफरेंशिएशन में क्या किया था कि ये जो क्यू पॉइंट है, ये थोड़ा पॉइंट ध्यान से देखना आपने, ये जो क्यू पॉइंट है ये अब पॉइंट मूव कर रहा है पी की तरफ, पॉइंट पी की तरफ, ये क्यू पॉइंट मूव कर रहा है पी की तरफ। अच्छा, जैसे जब मूव करेगा, लेट अस सपोज करो यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे आने पे क्या होगा कि ये जो वैल्यू कम हो जाएगी, डेल्टा एक्स आपका कम हो जाएगा, पहले डेल्टा एक्स यहाँ तक था, अब डेल्टा एक्स कहाँ पर आ गया, थोड़ा श्रिंक हो गया। मतलब क्यू के मूव करने पर क्या जो डेल्टा एक्स कम हो रहा है, आप और नीचे आ जाओ, यहाँ पॉइंट पे आ जाओ, जैसे जो क्यू पॉइंट यहाँ से चलकर यहाँ पहुँच जाता है, फिर आप अगर इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू निकालना चाहें तो यहाँ पे फिर देखो डेल्टा एक्स और कम हो गया। तो अल्टीमेटली डेल्टा एक्स क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, ज़ीरो की तरफ जा रहा है, क्योंकि ये कम होता जा रहा है, डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है। अगर डेल्टा एक्स की वैल्यू कम होती जा रही है तो उसकी वैल्यू अल्टीमेटली क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो जैसे जैसे ये क्यों मूव करेगा, करते करते यहाँ पे आएगा, और कॉरस्पॉन्डिंग डेल्टा वाई भी कम होता जाएगा आपका। अगर पॉइंट आपके पास ये पॉइंट क्यों जो है वो पी के साथ मिल जाता है, तो क्या ये सेकंड जो लाइन है क्या रहेगी, नहीं रहेगी। सेकंड लाइन आपकी क्या बन जाएगी, यहाँ पे देखें, ये जब क्यों यहाँ पे आ जाएगा तो ये लाइन जो है, ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन है, ये वाली, ये लाइन ऐसे मूव होती जाएगी, नहीं समझा रहा। अब यहाँ पे है तो लाइन यहाँ पे पहुँच गई, अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो पी तो यहीं पे फिक्स, या लाइन यहाँ पे पहुँच गई, यहाँ पे की तो लाइन यहाँ पहुँच गई, और अल्टीमेटली लाइन जो आपकी इस पॉइंट के ऊपर ऐसे मिलेगी, और ये जो आपकी सेकंड लाइन है वो क्या बन गई, टेंजेंट लाइन। ये जो लाइन थी ये मूव की ऐसे करके, धीरे धीरे मूव करती गई, यहाँ फिक्स पॉइंट है, ऐसे मूव करती गई, मूव करती गई, और अल्टीमेटली जब क्यों यहाँ पहुँच गया तो ये लाइन जो है अब इसको, ये लाइन सेकंड नहीं है इस कर्व के लिए, इस कर्व को टच करती हुई गुजर रही है, तो ये लाइन क्या बन गई, टेंजेंट बन गई। अब आपको पता है जो टेंजेंट है उसकी स्लोप क्या होती है, डी बाई डी एक्स हमने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे अगर हम लिमिट अप्लाई करें सेम चीज़ आपको मिल जाएगी। आपने क्यों मूव कर रहा है पी की तरफ, डेल्टा एक्स कहाँ मूव करेगा, जीरो की तरफ, हम लिमिट ले लेते हैं, डेल्टा वाई डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेज ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये क्या बन गया, इट्स ए स्लोप डी बाई डी एक्स, और इसे हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, लिख सकते हैं, किया हमने जब फर्स्ट जब डिफरेंशिएशन किया आपने तो उसमें हमने ये फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं किया, ये फर्स्ट प्रिंसिपल ही है, इसकी जो लिमिट है वो क्या, उसको क्या लिख सकते हैं एफ डैश एक्स लिख सकते हैं, इसको डी बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में ये क्या हुआ, डेरिवेटिव, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अप्रोक्सीमेशन की। अब देखो अप्रोक्सीमेशन का क्या है, एक चीज़ आप ध्यान दें, यहाँ ध्यान दें, ये जो लाइन है टेंजेंट जो है, ये टेंजेंट, ये लाइन, ये मैं इसे अब डार्क कर रहा हूँ, ध्यान दे इधर, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना डिस्टेंस है, डेल्टा वाई, लेकिन अब यहाँ से लाइन ऐसे पास कर रही है और लाइन यहाँ पे टच कर रही है, अब ये वाली जो
इतना सा रह गया जो, ये क्या है? दिस इज डी वाई, दिस इज डी वाई। और आपका जो डेल्टा एक्स है वो डेल्टा एक्स जो वो डी एक्स ही रहा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम वैल्यू इसके डिस्टेंस देखें तो ये डेल्टा एक्स है और डेल्टा एक्स क्या बन गया? डी एक्स। इसमें कोई चेंजेस नहीं, लेकिन आपका जो डेल्टा वाई है वो थोड़ा सा उसमें वैल्यू में चेंज आ गया, इस मामले में शॉर्ट आ गया। अगर आपका ग्राफ दूसरे लेंगे तो हो सकता है उसकी वैल्यू ज़्यादा आ जाए। हमारे पास केस क्या है कि हमने जो डी एक्स है वो डेल्टा एक्स के बराबर लिया है, और यहाँ पे ये जो डेल्टा एक्स है ये वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है या स्मॉल नंबर है एज कंपेयर टू एक्स। अब अगर ये है तो डी वाई की वैल्यू क्या, डी वाई की वैल्यू क्या डेल्टा वाई के बराबर आएगी? नहीं आएगी। कारण क्या है कि जहाँ पे ध्यान दो, ये डी एक्स डेल्टा एक्स के बराबर है, ये हमने पीछे किया, लेकिन जब मैंने इस सीकंट लाइन को, ये सीकंट लाइन थी ऐसे करके, इस सीकंट लाइन को हमने टेंजेंट लाइन बनाया, जब ये क्यू पॉइंट यहाँ पे मूव किया ऐसे, तो ये मूव किया यहाँ पे, तो हमने देखा कि डी एक्स डेल्टा एक्स तो बराबर रहा, लेकिन यहाँ पे ये जो डेल्टा वाई है वो डी वाई के बराबर नहीं है, थोड़ा सा इसमें चेंज आ गया, इसमें इसकी जो डिस्टेंस है छोटा है। लेकिन हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन में क्या कर रहे हैं कि इसको हम मान रहे हैं कि ये इक्वल ही है, दिस इज़ नोन एज अप्रोक्सीमेशन, कि डी एक्स को डेल्टा एक्स इज इक्वल टू हम लेट करेंगे। अगर केस में हम मानते हैं कि डी एक्स और डेल्टा एक्स बराबर है, तो हमारे पास जो डेल्टा एक्स है वो किसके कंपेयर, एक्स के कंपेयर इज़ वेरी स्मॉल है। मतलब सपोज करो कि अगर एक्स आपके पास 25 है तो डेल्टा एक्स आपके पास 1 होगा। तो इस केस में जो हमने अप्रोक्सीमेशन वैल्यू लगानी है, क्या वो डी वाई डेल्टा वाई के इक्वल होगा? नहीं है। तो हम यहाँ पे इसे हम इक्वल मान लेते हैं, तो इक्वल मानने का मतलब यहाँ पे हमारी दिस इज अप्रोक्सीमेशन। तो डी वाई जो है उसे हम कहेंगे एक गुड अप्रोक्सीमेशन है ऑफ डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो वो लगभग वो एक्यूरेट ही होगी ऑलमोस्ट, और उसे हम लिख देंगे डी वाई इज अप्रोक्सीमेट डेल्टा वाई। अब देखो, अब फार्मूला क्या बना हमारे पास, जो डी वाई डी एक्स है वो इज इक्वल टू आ गया डी वाई डी एक्स डेल्टा एक्स। अब ये इक्वल नहीं है, ये हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की ली है। ये क्या है? चेंज इन, यहाँ पे ये वाई एक्स नहीं आएगा बेटा, डी वाई। तो डी वाई चेंज इन वाई जो होगा वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर होगा? डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स। और इसका जो अनदर फार्मूला है वो है ये एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स अप्रोक्सीमेट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू डेल्टा एक्स। दिस इज सेकेंड फार्मूला। तो जब भी हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है किसी की, तो हमारे पास क्या होगा कि जो फंक्शन है जो आपको जिसकी भी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालनी है, उसकी वैल्यू किसकी इक्वल आ जाएगी? आप एक एफ एक्स लेंगे और उसका डेरिवेटिव करेंगे और उसके साथ मल्टीप्लाई होगा जो एक्स में स्मॉल इंक्रीमेंट होगा इस रिलेशन के। या फिर आप ऐसा निकालिए कि वाई में जो चेंज है उसको हम डी वाई मान रहे हैं, इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, अब आपको और अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन करने कैसे आपने, अब ये देखिए 36.6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना आपने। अब 36.6 का स्क्वायर रूट चाहे तो आप कैलकुलेटर लें तो आप कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, हमने क्या मेथड यूज़ किया कि जो डेल्टा वाई है उसे हम ले रहे हैं डी वाई, और डी वाई हम यूज़ कर सकते हैं डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। दिस इज द फार्मूला। जो उसमें अप्रोक्सीमेशन चेंज आनी है वो डेल्टा वाई आनी है, और उसे हमने क्या मान लिया हुआ डी वाई।
दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज ओनली अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है? देखो सबसे पहले आपने क्या करना है कि लेट करेंगे y इज इक्वल टू, आपने एक फंक्शन लेट करना है। अब फंक्शन क्या होगा? आपको क्या दिया? स्क्वेयर रूट। क्या दिया? स्क्वेयर रूट। आपने इसे x लेना और इसकी स्क्वेयर रूट में इसको लेट कर लेना है। सपोज करो यहाँ पे अगर 36.6 मान लो कोई और है, लेट अस सपोज करो 1/3 गिवन होता, तो आपने यहाँ पे x की पावर कितनी लेनी थी? 1/3। ठीक है, पहला स्टेप। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसे डिफ्रेंशिएट कर लेना यहीं पे ही। तो मेरे पास क्या आएगा? 1/2 एक्स की पावर 1/2 - 1, इसे मैं सॉल्व कर देता हूँ 1/2, और x की को स्क्वायर रूट में लिख देंगे, ये आपके पास इसका डेरिवेटिव आ गया। ओके, अब नेक्स्ट काम है कि आपने चूज करना बेटा x, क्या चूज करना है? x, और क्या चूज करना है? डेल्टा x। अब x क्या है? अब आपने x क्या, कौन सा नंबर होगा? ये जो आपको वैल्यू दी हुई है 36.6 स्क्वायर रूट, अब आपने x वो ढूंढ रहे हैं जिसका स्क्वायर रूट आपको आता हो, इजीली आप उसको फाइंड कर सको। तो यहाँ x की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं? 36। तभी x का स्क्वायर रूट अगर हम लेंगे तो 6 आ जाएगा। अब और आपके पास क्या टर्म बच गई? अब हमने बात की थी कि जो डेल्टा x है एज कम्पेयर टू x इज वेरी स्मॉल नंबर। अब देखो क्या ये 0.6 जो है 36 से वेरी स्मॉल नंबर एज कम्पेयर टू 36? ठीक है, और दोनों को अगर हम प्लस करें x प्लस डेल्टा x, तो क्या हमें 36.6 मिल जाएगा? ठीक है, नेक्स्ट हमने वहां पे किया था कि जो डेल्टा y है आप उसे लिख सकते हैं f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस f ऑफ x, लिख सकते हैं ऐसा। स्मॉल इंक्रीमेंट जो y में आया डेल्टा y, वो होगा फंक्शन की वैल्यू x प्लस डेल्टा x के ऊपर माइनस फंक्शन की वैल्यू जो ओरिजिनल है। अब यहाँ पे देखो एफ एक्स आपके पास क्या है? ये एफ एक्स है, तो क्या मैं इसे x यहाँ पे क्या है और x प्लस डेल्टा x आपने निकाल लिया, क्या मैं इसे 36.6 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ और माइनस आगे 36 का स्क्वायर रूट लिख सकता हूँ? हमें डेल्टा वाई फाइंड करना है, वो होता है एफ एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, और इसकी वैल्यू है आपके पास 36.6। अब फंक्शन है तो आपको जो भी आपको स्क्वायर रूट भी दिया है तो आपने वो भी साथ लगाना है, और इसे आप अगर फर्दर सॉल्व करें तो 36.6 का स्क्वायर रूट माइनस 6, और फर्दर मैं इसे लिख सकता हूँ 36.6 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 6 प्लस डेल्टा वाई। तो हमने इसी का स्क्वायर रूट फाइंड करना था, तो क्या आंसर आ गया? 6 प्लस डेल्टा वाई। अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए? डेल्टा वाई। अगर डेल्टा वाई की वैल्यू आप फाइंड कर गए, इसमें पुट कर दो, आपका इसका स्क्वायर रूट आपको मिल जाएगा। अब डेल्टा वाई हमने यूज़ किया अप्रोक्सीमेशन, हमने क्या किया कि जो डेल्टा वाई है उसे हमने क्या मालूम हुआ? यूजिंग अप्रोक्सीमेशन डेल्टा वाई को हमने क्या मान लिया हुआ? डी वाई, दिस इज अप्रोक्सीमेट वैल्यू नॉट इक्वल वैल्यू। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हमने ये मान ली हुआ है, और आप डी वाई को कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्या फार्मूला बताया मैंने? ये फार्मूला बताया आपके पास डी वाई डी एक्स क्या है आपने फाइंड किया, क्या आ गया? 1/2 रूट एक्स
मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या आपने चूज़ की हुई है, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, 1/2 और रूट एक्स जो है 36.6 और क्या बन गया मेरे पास 1/2 × 6 × 6/10 6 से 6 कैंसिल 1/20 और मेरे ख्याल से 0.05 तो इसमें 0.05 पुट करिए, हैंस क्या आ गया 36.6 का स्क्वेयर रूट आप फाइंड करना चाहते थे वो था 6 + Δy। डेल्टा वाई की आपने वैल्यू डिफरेंशिएशन के हेल्प से आपने प्रूव कर लिया है 0.05 एंड दिस इज 6.05। आप कैलकुलेटर से भी आप इसको सॉल्व करके देखिए 36.6 को स्क्वायर रूट तो आपको 6.05 ही मिलेगा। बात समझ आई, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आपको, कोई बात नहीं, चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं फिर और आपको आसान हो जाएगा। सेम क्वेश्चन मैंने लिया है ताकि आपको समझने में और आसानी रहे, स्क्वायर रूट ही लिया मैंने, तो 0.6 का स्क्वायर रूट हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, ओके तो हमारा सबसे पहला क्या स्टेप है, लेट y इज इक्वल टू x की पावर क्या मान लेनी है 1/2, साथ साथ अगर करना चाहे तो कर लो, x की y इज इक्वल टू हम क्या मानेंगे x पावर 1/2, हमें क्या फाइन करना है इसका बेटा d/dx, तो 1/2 और मैं इसे अगर ऐसे लिख दूं कोई प्रॉब्लम, अगर आपको पता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। नेक्स्ट हमारा क्या नेक्स्ट स्टेप क्या है, चूज करना है, हमने क्या चूज करना है, हमने क्या चूज करना है एक्स, तो लेट एक्स इज इक्वल टू, तो बताएं यहां पे एक्स में क्या चूज करूंगा, आपको उसका स्क्वायर रूट पता होना चाहिए, वन, तो प्रियांशु बोलता वन, तो डेल्टा एक्स क्या आ गया, तो डेल्टा एक्स क्या बन जाएगा 0.4 साथ में माइनस आ जाएगा। अब यहां पे ध्यान दो जो 1 है और ये जो 0.4 है क्या ये इनका कंपैरिजन में ये बहुत सारा इनके डिफरेंस है, जो 0.4 है और जो 1 है वो ऑलमोस्ट लगभग ज़्यादा इतने उनमें डिफरेंस नहीं है, तो हमें क्या करना है कि जो डेल्टा एक्स है वो वेरी स्मॉल नंबर चूज़ करना है ताकि आपकी जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू है वो क्या आए करेक्ट आए। तो हम क्या कर सकते हैं इसे, क्या मैं इसे 0.64 ले सकता हूँ, ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो 64 है उसका स्क्वायर रूट ले सकते हैं हम 0.8 और डेल्टा एक्स आपके पास क्या बन जाएगा -0.04, ठीक है, तो इसलिए मैंने लिया था क्वेश्चन ये क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा और आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाए चीज़ों को थोड़ा सा बेटर तरीके से समझ सको। क्या इन दोनों का प्लस आपको यहाँ पे शो करना है एक्स प्लस डेल्टा एक्स दैट इज 0.64 माइनस 0.04 और आप देखेंगे ये बन गया 0.6। नाउ आगे क्या चाहिए हमें, डेल्टा वाई चाहिए, चलिए डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स, तो एक्स प्लस डेल्टा एक्स फंक्शन क्या है आपके पास ये, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट
क्या बन जाएगा 0.6 माइनस fx, fx आपने क्या ले लिया अब 0.64 का स्क्वायर रूट, और फर्दर आप लिखेंगे रूट 0.6 माइनस 0.08, और मेरे पास जो डेल्टा वाई है वो क्या बन गया, डेल्टा वाई क्या बन गया, नहीं हमने लेना है पॉइंट, एक मिनट, 0.6 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 0.08 और प्लस डेल्टा वाई। हाँ जी क्या बोल रहे हैं, ठीक है चलो, बाकी तो सो रहे हैं कोई तो जागा। यहाँ पे 0.8 को मल्टीप्लाई करो तो 0.64, मैंने क्या लिया, हाँ तो तुम लोग सोए रहते हो। हाँ जी मैं गलती पढ़ा दूँ कोई चक्कर नहीं, घर जाकर देखेंगे क्या किया। तो हमारे पास ये प्रॉब्लम आ गई जी, हमने 0.6 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, हमारे पास आ गया जी 0.8 और प्लस डेल्टा वाई, तब हमने डेल्टा वाई की वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। तो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हमने निकालनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे यूजिंग अप्रोक्सीमेशन, अब लिख लेना यहाँ पे ना, बार बार लिखना पड़ रहा मुझे, यूजिंग अप्रोक्सीमेशन। क्या अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर रहे हैं आप, कि जो डेल्टा वाई है वो जो है डी वाई के इक्वल हम ले रहे हैं, तो डी वाई को हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है, और वैल्यू पुट कर लें आप, क्या आ गया मेरे पास डी वाई डी एक्स आपने फाइंड किया हुआ है 1/2 रूट एक्स, डेल्टा एक्स की वैल्यू 0 माइनस भी है साथ में, और 0.4 और 1/2 और रूट एक्स, तो पॉइंट कितना आएगा 0.8 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ माइनस ले लें आगे ले लें 4/4 और यहाँ पे 10 ले लें, तो ये बन गया आपके पास 4, ये 0 गया, क्या आ गया माइनस 1/40, 2 × 4 = 20, 40 आप इसे कर लें चेंज, इसका कन्वर्ट कर दें, तो क्या आ गया माइनस 0.2, श्योर पक्का देखें 1/40, पॉइंट लगाया तो 0 नहीं जाता, 0 और 5 चौके 20, नहीं 4 × 2 = 8, 80 फिर 20, तो क्या आ गया 0 भी आएगा ना साथ में, तो 0 आपने लिखाया नहीं, ठीक है, इसकी वैल्यू आप कहाँ पुट करेंगे यहाँ पे, तो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.825 ऐड करेंगे ना, तो आपके पास क्या आ जाएगा 8 माइनस करना है जी, ऐड नहीं करना, ये ध्यान देना अपने, यहाँ पे 0.8 है तो 2 0 आ गई, और आपने माइनस करना है तो 0.025, ये बन गया जी 7, यहाँ कितना है 7.5, 0.775, ठीक है अब, ठीक है ना, हाँ ये गलती ना करना, हो भी जाती है कई बार, हमने वहाँ पे माइनस नहीं चेक किया, माइनस था वहाँ पे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, अब थोड़ा सा मैंने चेंज किया क्वेश्चन, यूज डिफरेंशिएशन टू अप्रोक्सीमेट 82 पावर मैन ले ली 1/4, हमारा पहला काम
लेट y इज इक्वल टू x की पावर 1/4, जो भी पावर होगी आपने वही आपने फंक्शन ले लेना है। नेक्स्ट क्या है, dy dx 1/4 आ गए, x की पावर 1/4 माइनस 1 और 1/4 x की पावर आएगी जी 3/4। सिंपल काम है ये तो आपने किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा काम क्या है, चूज करना है कि आप x क्या चूज करना चाहते हो और डेल्टा x आप क्या चूज करना चाहते हो। तो x कितना है यहाँ पे 82। अब x क्या लेंगे आप कि उसकी जो पावर है 1/4 वो सॉल्व हो जानी चाहिए। हाँ जी 9, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो तब भी पावर में 1/2 बच जाएगा। क्या मैं x की वैल्यू 81 ले सकता हूँ? 81 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 3 की पावर 4 आ जाता है और 4 से 4 कट जाएगा। आपको 3 आंसर चाहिए क्योंकि आपको ऐसी टर्म ढूंढनी है जिसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपके पास वहाँ पे होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, स्क्वायर रूट था, तो हमने स्क्वायर में ले गए। यहाँ पावर जो है वो 1/4 है तो हमने इसकी पावर 4 में लेके जाना ताकि 4 से 4 कैंसिल हो जाए और आपको वो जो सॉल्व सॉल्यूशन मिले वो कंप्लीट सॉल्यूशन हो, वो परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए। तो डेल्टा एक्स क्या बन गया यहाँ पे अब 1। अब 81 के और 1 के कंपैरिजन देखें तो 1 इज वेरी लेस वैल्यू एज कंपेयर टू 81। तो हमारा काम हो गया। तो यहाँ पे x प्लस डेल्टा x भी आप निकालो, वो आपके पास क्या बन गया 82। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ क्या चाहिए, डेल्टा y। तो डेल्टा y आ गया आपके पास f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स, और x प्लस डेल्टा x क्या बन जाएगा आपके पास 82। पावर कितनी माइनस 81, पावर कितनी 1/4। आप सॉल्व करके देखें क्या बन गया, 82 पावर 1/4 माइनस, और हमारे पास आ गया 81 की पावर 82 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 प्लस डेल्टा y। तो यही आपका आंसर निकालना, आपने 3 आपके पास मिल गया। अब आपको क्या फाइंड करना है, डेल्टा वाई। और डेल्टा वाई हम कैसे फाइंड करते हैं, देखिए डेल्टा वाई दैट इज़ हम लिख लेंगे आप यूज़ अप्रोक्सीमेशन, डेल्टा वाई इज इक्वल टू डी वाई, और डी वाई इज इक्वल टू आ गया डी वाई डी एक्स मल्टीप्लाई बाई डेल्टा एक्स। तो यहाँ पे देखिए डी वाई डी एक्स आपने फाइंड किया हुआ है, ये देखिए 1/4x^3/4 मल्टीप्लाई बाई 1, क्योंकि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, डी वाई इज इक्वल टू, हाँ जी 1/4, और एक्स की वैल्यू आपने क्या पुट की हुई है, हाँ जी 81, और पावर कितनी आ गई, और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 1 है, कोई फर्क पड़ता है, एज इट इज़ रहेगा। चलिए नेक्स्ट है, किए सूर्यांश और ये बंच समझ आ रहा है, तो यहाँ पे 3 की पावर कितनी आ गई, क्या 81 को मैं 3 की पावर 4 लिख सकता हूँ, और पावर कितनी, ये 4 से 4 कैंसिल, और 3 की पावर कितना 27, 27 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, वन अपॉन 108। तो ये आपके पास अप्रोक्सीमेशन वैल्यू आ गई, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो देख लो, अगर इसी को आपने फैक्ट उसमें डेसिमल में चेंज करना है, इसको कर लो डेसिमल चेंज, और लास्ट में आपके पास यहाँ पे 82 की पावर 1/4 इज इक्वल टू 3 प्लस जो भी यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे लिख देंगे और ऐड कर दें, आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेंगे इतना काम। चलिए फिर एक लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, और ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है,
अभी एक क्वेश्चन कर लो, फिर स्टेटमेंट का एक स्टेटमेंट है आपसे, फाइंड द अप्रोक्सीमेट चेंज इन द वॉल्यूम बी। ध्यान से देखिए क्या बोल रहा है कि आपने अप्रोक्सीमेट चेंज फाइंड करना है वॉल्यूम में, किसका वॉल्यूम, क्यूब, और क्यूब का जो वॉल्यूम है उसकी साइड आपको गिवन है एक्स। तो ये जो वॉल्यूम है क्या मैं इसे एक्स की पावर क्यूब लिख सकता हूँ? क्यूब क्या होता है, क्यूब की जो क्यूब का जो वॉल्यूम है अगर उसकी साइड एक्स है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, वी इज इक्वल टू एक्स क्यूब। क्या फाइंड करना चाहते हो, चेंज इन वॉल्यूम, मतलब चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या, डी बाई डी एक्स या डी वी, डी वी, हाँ जी डी वी बाई डी एक्स नहीं, डी वी निकालना अपने, चेंज इन वॉल्यूम, एक्चुअली चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी, ये फाइंड करना अपने। लेकिन हम यूज़ करें अप्रोक्सीमेशन तो हम डी डेल्टा वी को क्या लिख सकते हैं, डी वी। तो डी वी निकालना अपने, तो डी वी को हम कैसे लिख सकते हैं, क्या हम डी वी को डी वी डी वाई डी एक्स इंटू डेल्टा एक्स लिख सकते हैं? अब यहाँ पे देखो आपको डेल्टा एक्स कितना दिया है ये चूज़ करना आपने। क्या कहा उसने, जो आपकी इंक्रीज है साइड में इंक्रीज कितना हो रहा है, 1% हो रहा है। आपने चेंज निकालना वॉल्यूम में, क्वेश्चन क्या है कि उसकी जो साइड है क्यूब की उसमें 1% का चेंज आ रहा है, ठीक है। अगर 1% का चेंज आ रहा है तो कहता है वॉल्यूम में कितना आएगा, जाहिर है कि किसी क्यूब की, अगर किसी क्यूब का जो साइड है अगर वो इंक्रीज कर रहा है, ये पहला है आपने इसको इंक्रीज कर दिया, तो जैसे हम इंक्रीज करेंगे तो हम देखेंगे कि इसका जो वॉल्यूम है वो एक्सपेंड करेगा, तो चेंज जो आया डेल्टा एक्स वो किस में आया, 1% किस में, साइड में, जो इसकी साइड कितनी है एक्स। चेंज किस में पूछा, किस में बोला उसने, इंक्रीज द साइड बाई 1%, उसकी साइड जो है 1% जो है इंक्रीज होगी, मतलब पॉजिटिव आएगा उसमें प्लस का साइन, तो मैंने लिख दिया डेल्टा एक्स जो है कितना इंक्रीज हो रहा है, यही इसमें इंक्रीमेंट है। और इसे आप लिख ले तो 1/100 इंटू एक्स, तो 0.01 इंटू एक्स मीटर जो भी इसमें चेंज आएगी। अब देखते हैं कि अगर ये चेंज इसमें है तो इसके वॉल्यूम में कितनी चेंज है, तो यहाँ पे फाइंड कर लें आप, डी वी इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, यहाँ पे डी बाई डी एक्स निकाल लें, कितना आ गया 3x, तो यहाँ पे डी बी डी एक्स आ गया 3x स्क्वायर, और डेल्टा एक्स कितना है, 0.1x, और मीटर कितना आएगा क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है तो वॉल्यूम क्यूब आएगा, तो कितना आंसर आ गया आपके पास, 0.03x क्यूब मीटर। तो इस क्यूब में जो चेंज आएगा उसके वॉल्यूम में वो आएगा 0.03x क्यूब मीटर क्यूबिक मीटर। और सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है, इसी प्रकार आप भी क्वेश्चन है आपकी बुक में सरफेस एरिया साइड, यही क्वेश्चन है तो कहता है अगर साइड एक्स परसेंट बढ़ गई तो इसके सरफेस एरिया में कितना चेंज आएगा, तो उसमें क्या सिंपल करना आपने, क्या निकालना, और डी एस को हम कैसे लिख सकते हैं, तो आपने चूज डेल्टा एक्स करना है, और डी एस क्या होता है, एस क्या होता है 6x स्क्वायर, तो आप उसका डेरिवेटिव निकाल के तो कर सकते हैं, ठीक है जी। तो इसी के साथ आपका जो अप्रोक्सीमेशन टॉपिक है वो फिनिश हुआ, आपने इसके क्वेश्चन कर लेने हैं। कहीं भी आपको डाउट आ रही है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे सारा सोल्यूशन मैंने फाइंड किए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हो, लेकिन कोशिश करनी है आपने, खुद ट्राई करना है, ठीक है।